जो टॉपिक है आज के सेशन का वो ये है कि अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं। अगर ये हमको आ जाए तो हम सबके साथ में भी खुश रह सकते हैं। अकेला मतलब ना आपके पास में कोई पर्सन है ना कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। कहने के लिए हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहने के लिए हम हंस रहे हैं, हर तरह की स्माइली हमारे पास में है, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं क्योंकि रियल कनेक्शंस मिसिंग है। ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। करके बैठ जाओ एक घंटे के लिए, वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी। अगर आप अकेले एक घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, अकेले में भी बोर ना हो यानी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जो लोनलीनेस है इसका क्या सोल्यूशन है? क्या लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में कुछ फर्क होता है या दोनों एक ही चीज है? लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म, वेन वी आर फुलफिल्ड बींग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है। वी आर हैप्पी बींग अलोन, दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। एक्चुअल में जो होता है उससे कनेक्ट होते हैं वो नहीं जो यहां होता है, जो यहां होता है और जो यहां होता है उसमें फर्क देख पा रहे हैं? जहां पर भी अलग अलग कुछ होने की गुंजाइश है, जहां पर भी अलग होने की गुंजाइश है, ऑल दैट लीड्स टू लोनलीनेस। क्या हमको नेचर से, इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना है जो हम जुड़े ही हुए हैं? कि मैं वो जो पेड़ दिख रहा है या कोई फ्लावर दिख रहा है या दूसरा कोई इंसान दिख रहा है, मेरे को उससे जुड़ना नहीं है, मैं जुड़ा ही पड़ा हूं। जो जुड़ा हुआ है वो खुश है। इस जुड़ने को ही योग बोलते और अलग होने को दुख बोलते हैं। अलग होना मतलब लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या है? कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ में रहे लेकिन वो नहीं चाहता। आई वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं ये सब क्या है। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो, क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में या आप कनेक्टेड ही हो, इस सच को अगर आप देख लो और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा। क्योंकि इफ डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली सिक्योर, तो अब अंदर तक क्या है? ये कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई जाए तो कोई बात नहीं। इस सॉलिट्यूड को हम अचीव कर लेते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अचीविंग सॉलिट्यूड? व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिट्यूड? इसकी शुरुआत होती है दो चीजों को डीपली रियलाइज करने से। वन इज कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मुझे इसको ऐसे नहीं चलाना है, सोच को बदलना है। यही हम गलती करते हैं ना, उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, वो सारी उंगली यहीं रहती है, यहां तो कभी आती नहीं है। तो अकेले में बैठ करके अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया, मोबाइल छोड़ करके मैं एक घंटा बैठने की कोशिश ही तो कर रही हूं, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूं, मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं? हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा वो भी सब हिला पड़ा होगा। तो क्या ऐसे ही जीना है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है, क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होगा? स्टेप क्या है सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का? रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। इसके लिए आपको समझदार होना। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज? सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना? ध्यान देना है इस सच की तरफ, जो सच में बार 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 अपने अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूं कि आपको इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो। ध्यान दो इस बात की तरफ जी कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। अभी बारिशों का टाइम चल रहा है तो कभी बारिश में जाकर के बैठो और देखो किस तरह से बादल बन रहे हैं। दो आराम से बैठो जाकर के टिक करके बारिश में, और अपने हाथ पे जब वो पानी की बूंदें गिरेंगी तो उसको पियो, देखो
क्या वो बादल आप नहीं बन गए हो? वो बादल बूंद बना, वो बूंद आपके हाथ में आई, तो क्या आपने बादल नहीं पी लिया है? जब इस तरह से देखते हो तो कुछ कमाल का होने लग जाता है। फिर क्या होता है, एफर्टलेसली आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हो। जब भी आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको ध्यान से करो, अपनी पूरी अवेयरनेस से करो, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की, ये शुरुआत है ध्यान की, ये शुरुआत है मेडिटेशन की। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आया है वो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना अच्छे तरीके से। अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा ये सब करके, आपको दो चीजें समझ आएगी। एक कि सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, अभी ये थियोरेटिकली तो हमको पता है, बट वी डोंट रियलाइज इट, वी डोंट सी थिंग्स चेंजिंग। अपने आप को देखते हैं शीशे में और बोलते हैं कि मैं ये हूं, तो वी डोंट रियलाइज कि सब कुछ बदल चुका है। बचपन में जो आपकी बॉडी थी वो आप हो, या ये जो दिख रहा है ये आप हो? हाँ, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, वी नेवर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बचपन में कितने खूबसूरत थे आप लोग, कभी सोचा है? इफ यू सी थिंग्स मूविंग चेंजिंग, जैसे अगर कभी आप बैठे हो, अब यहां पे कोई पैटर्न नहीं है कि आपको यही करना है, कहीं पर भी आप बैठे होगे एकदम से कुछ इंसाइट्स आ जाएंगी, कुछ नजर आ जाएगा। एकदम आप देखोगे बादलों में आपको, या कभी कहीं किसी हिल स्टेशन पे हो तो वहां पे ऑब्जर्व करना, रात के टाइम जब आप बैठे होते हो तो पहाड़ों में आपको कुछ शक्लें नजर आएंगी, वो पेड़ पौधों से अपने आप ही कुछ शक्लें बन जाती हैं। अब वो शक्ल वहां नहीं है, वो यहां है। ऐसे ही क्लाउड्स के साथ होता है, क्लाउड्स में आप देखोगे अच्छा वो नजर आएगा, वो आएगा, थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे कुछ सेकंड्स बाद वो गायब। तो आपको क्या समझ आता है, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक है जो टेम्पररी है, यानी जो आ रहा है और जा रहा है, और कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। यानी टेम्पररी मतलब क्या, जो पैदा हुआ और मरा, और परमानेंट मतलब क्या, जो ना पैदा हुआ ना मरा लेकिन है, वो परमानेंट है। तो जैसे जैसे इस सॉलिट्यूड में आप गढ़ते चले जाते हो तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती, ये सब जो आना जाना चल रहा है ये मुझ में चल रहा है। मैं मतलब क्या, अवेयरनेस। कुछ सेंसेशंस आती हैं चली जाती हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, ये आना जाना चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन जिसमें आ जा रहा है वो मैं हूं, वहां पर आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं मेरी अवेयरनेस है, तेरी अवेयरनेस है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये जो बॉडी में पानी है वो मेरा पानी है, ये इसका पानी है, क्या ये सच है या झूठ है, या पानी पानी है? ज्यादा हो गया, आया समझ में मैंने क्या बोला है? आपकी बॉडी में पानी है, मेरी बॉडी में भी पानी है, क्या ये पानी मेरा है, वो पानी तेरा है? अगर एक पानी में हम दोनों ने मिल करके पिया, आधा तूने पिया आधा मैंने पिया, तो अब ये पानी क्या हमारा है? किसका है ये पानी? तेरा है, मेरा है, किसी के बाप का है, किसका है? ये पानी किसी का नहीं है, और पानी सबका है। तो ये जो हम कब्जा करते हैं कि मैं हूं ये तू है, इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। ये मैं ही तो लोनली है ना, ये मैं यहीं पर फंसा पड़ा है, और यहां भी क्या, यहां फंसा पड़ा है, यहां फंसा पड़ा है। अगर मैं यहां से निकल जाए, मतलब थॉट के लेवल पे ये समझ जाए कि मैं कहीं भी फंसा हुआ नहीं हूं। जैसे अभी पानी का एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या उस एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अभी आप भी देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूं, इस देखने को अवेयरनेस बोल सकते हैं? आप भी मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे सुन रहे हो, मैं भी आपको सुन रहा हूं। ये जो सुनना चल रहा है जिसको हम अवेयरनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या यहां से जो सुना जा रहा है वो मेरी अवेयरनेस है, और वहां से जो सुना जा रहा है वो तेरी अवेयरनेस है, या अवेयरनेस अवेयरनेस है? अवेयरनेस में मैं और तू कहां है? तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाता है। नहीं तो हम हमेशा सामने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना चाहते हैं। अब आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, इसको प्यार बोलते हैं, फिर इज नो पॉइंट। इस बात की गहराई देख पा रहे हो? सब कुछ बनेगा मिटेगा, एट अ माइक्रो लेवल, एट अ मैक्रो लेवल, सब कुछ बनता रहेगा मिटता रहेगा, नौटंकियां चलती रहेगी, दो पास आते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, ये सारी कहानियां चलती रहेंगी, लड़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस वही की वही है। एंड आई एम दैट अवेयर।